you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul. Assalamualaikum everyone, आई होप सब ठीक और मजे में होंगे। तो आज मैं आपको लेके आ गई हूँ सबसे पहले एक खाड़ी में। मैंने ऑनलाइन देखी थी, मुझे इनकी वैरायटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना पहले खाड़ी को विजिट किया जाए। अच्छा, तो ये वाला ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा था, स्पेशली स्प्रिंग सीजन है तो इसमें ये ब्राइट सा येलो हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा, तो इस ब्लॉग में मैं आपके साथ सिर्फ वो वाले ड्रेसेस शेयर करूंगी जो कि मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लगे थे और थोड़ी रीजनेबल भी लगे थे। अच्छा, तो ये सिंपल सा मुझे ग्रीन कलर बहुत अच्छा लग रहा था, इस पे सिर्फ नेक लाइन पे डिटेलिंग हुई थी और ये वाला प्रिंट मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही एलिगेंट है। आजकल इसका काफी ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है ऑफ वाइट पर डार्क कलर्स का कॉम्बिनेशन। अच्छा, खाड़ी पे मुझे कलेक्शन इनकी बहुत अच्छी लगी, खासकर इनके प्रिंट कलेक्शन बहुत प्यारी थी एज कम्पेयर टू एथनिक। तो एथनिक में जो है वो इतने खास प्रिंट मुझे पसंद नहीं आए और एथनिक के रेट अब बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं, लेकिन खाड़ी जो है वो स्टिल रीजनेबल है। गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं तो मुझे चाहिए था एक अदद बहुत ही बेहतरीन किस्म का परफ्यूम, क्योंकि गर्मियों में परफ्यूम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मैंने यहाँ पर देखा बोनांजा सतरंगी पे, तो मुझे बहुत अच्छा परफ्यूम मिला, वो भी 2300 रुपीज का। तो काफी सारे परफ्यूम्स ट्राई किए थे तो फिर मुझे ये वाला परफ्यूम बहुत अच्छा लगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। अच्छा, फिर मैं आ गई थी लाइम लाइट पर। अच्छा, तो लाइम लाइट में ईद की वैरायटी ना मुझे बहुत प्यारी लगी, यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे और एक से एक कलर खूबसूरत था, सारे ब्राइट ब्राइट कलर थे, लाइक स्प्रिंग सीजन्स वाले इनकी कलेक्शन थी। अच्छा, तो मैं आपको इनकी अनस्टिच भी दिखाऊंगी, इनकी अनस्टिच की वैरायटी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये पिंक वाला मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत सा इसका पिंक कलर था। अच्छा, तो ये है इनकी अनस्टिच कलेक्शन, तो इनकी अनस्टिच कलेक्शन बहुत प्यारी थी, तो मैंने ऑनलाइन भी देखे थे, फिर मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, मैंने कहा जाकर देखूंगी फिर ये अंदाजा होगा। ये कलर मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था, ये लॉन है, सारी ही मैं आपको लॉन वैरायटी दिखा रही हूँ, कोई भी कैम्ब्रिक वगैरह नहीं है, मगर इनके कपड़े बहुत प्यारे थे, स्पेशली इनकी ईद कलेक्शन बहुत अच्छी थी। अच्छा, इनके पास थ्री पीस की वैरायटी बहुत अच्छी थी, ये ब्लू वाला मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था, ये 3000 रुपीस का था, ये मुझे रीजनेबल भी लग रहा था, साथ में इसमें ऑर्गेंजा टाइप का दुपट्टा था और शर्ट भी इनकी बहुत प्यारी थी, तो अगर ईद पर इस किस्म का अच्छा सा डिजाइनिंग करवा के पहना जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तो ये ब्लैक वाला कलर जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये पीच कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये येलो की तो बात ही कुछ और थी, ये ग्रीन वाला भी अच्छा था लेकिन ये वाला येलो ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा था ये। अच्छा, तो इस पे तो मेरा बहुत ही दिल आ गया था, इसका कलर बहुत प्यारा था, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी थी, मतलब जबरदस्त था। अच्छा, तो फिर आ गए हम लोग सफायर पे, तो सफायर पे मैंने ऑनलाइन इनके देखे थे, बड़े अच्छे अच्छे लग रहे थे, यमुना जैदी ने पहने हुए थे, मुझे बड़ी अट्रैक्शन हुई थी, मैं बस कह रही थी कि जाऊं मैं जल्दी से सफायर में इनकी कलेक्शन देखूं, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे अनस्टिच ना इतने कोई खास नहीं प्यारे लगे जितना के वो पिक्चर्स और वीडियोस में अच्छे लग रहे थे। अच्छा, ये बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल मार्बल स्टोन स्टाइल था, लेकिन ये रेट में बहुत ही महंगा था। और ये है इनके ट्राउजर्स के स्टाइल, ये टू पीस था लेकिन इसका ट्राउजर बहुत प्यारा लगा था, अगर मेरे ख्याल है कि अगर इसको खुद से स्टिच करवा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बजाय कि हम इस पर इतने सारे पैसे उड़ा दें तो ये फजूल खर्ची में आ जाता है। कलर बहुत प्यारा था, बहुत ही वाइब्रेंट से कलर्स थे, लेकिन मुझे ये बहुत ही महंगा लग रहा था। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे कपड़े ढूंढने की कोशिश की कि कुछ अच्छा मुझे यहाँ पर मिल जाए, लेकिन इनके रेट बहुत ही हाई थे, तो ज़्यादा बेहतर है कि सेल पर इनके कपड़े लिए जाएँ, तो आई थिंक सो बेस्ट है। ये फ्रॉक बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अच्छा फ्लेयर था, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा था ये। अच्छा, ये शॉकिंग पिंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, गर्मियों में स्पेशली स्प्रिंग सीजन में अगर ब्राइट कलर पहने जाए ना तो बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि अगर गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो फिर ब्राइट कलर्स इतने अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन आजकल जो है ना ब्राइट सीजन्स ब्राइट कलर का सीज़न बहुत ज़्यादा है, तो रेट इसके सामने आपके सामने ही है, इसका रेट कुछ इस तरह का था। तो बस फिर चलते हैं अनस्टिच की तरफ, तो ये है इनकी अनस्टिच वैरायटी, तो इनके कुछ ड्रेसेस मुझे बहुत प्यारे लगे थे लेकिन पिक्चर में इनके बहुत अच्छे लगे थे ऑनलाइन, लेकिन जब यहाँ आई तो मुझे कुछ खास नहीं लगे, तो बस मैं चाहती थी थोड़ा थोड़ा सा आपका ओवरव्यू दे दूँ इस ड्रेसेस का। अच्छा, तो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था, ब्लू वाला, पर इनका था ये टू पीस, ज़्यादातर लाइम लाइट में टू पीस बहुत प्यारे होते हैं, थ्री पीस इतने खास नहीं लगते मुझे इनके, लेकिन मगर टू पीस बहुत कमाल के होते हैं, लेकिन बात वही है कि आप फिर ट्राउज़र का मसला हो जाता है, ट्राउजर की तरह से लो, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने देखा था यमुना को, बहुत प्यारा लग रहा था, बड़ा ढूंढा मैंने यहाँ पे आई तो फिर मैंने ये देखा तो फिर मुझे बस इतना हास लगा, हो सकता है स्टिच होके ये बहुत प्यारा लगे।
तो बस फिर हम आ गए थे बॉर्जन पे। तो यहाँ पे हमने देखे थे अपने लिए जूते शूते, तो ये मुझे बड़ा कोई कमाल का बहुत प्यारा सा लग रहा था। मैं चाहती कुछ यूनिक चीज़ मुझे मिल जाए, क्योंकि वही सेम चीज़ें वही डिज़ाइनिंग पहन पहन के ना बंदा बहुत ज़्यादा बोर और अक जाता है। तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस कलर जूते की खास बात ये थी कि ये आपके हर ड्रेस के साथ आराम से चल जाएगा। ये मैंने लिया था 2800 का, तो मैं आपके साथ हॉल भी इसका शेयर करूँगी आगे किसी और वीडियो पे। तो फाइनली मैंने थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कर ली थी, तो अब मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, और हम शॉपिंग कर करके सेंटोरस में घूम घूम के थक गए थे। तो यहाँ से गुजरना हुआ तो ज्वेलरी इनकी मुझे बहुत प्यारी थी। यहाँ से मैंने काफ़ी दफ़ा रिंग्स वगैरह लिए हैं, काफ़ी सारे ब्रेसलेट्स लिए हैं, तो इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। पर सेंटोरस में आपको पता है कि लोकल शॉप से भी आप कुछ चीज़ देख लो तो वो महंगी ही मिलती है, पर इनकी ज्वेलरी मुझे बहुत प्यारी लगी। असम ये ब्रेसलेट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये बहुत नाजुक हैं। मैंने पहले भी लिए थे, ये टूट गया था, एक दो दफ़ा मैंने पहना और ये टूट गया। नाजुक ब्रेसलेट्स प्यारे बहुत लगते हैं, लेकिन जल्दी टूट जाते हैं। ये रिंग्स देखें कितने कोई कमाल के हैं, बहुत प्यारे। शॉपिंग करके हमारा हाल हो गया था बुरा, और हम आए भी वैसे बहुत लेट थे सेंटोरस, लेकिन बिल्कुल खाली हो गया था, बड़ा सुकून हो गया था। तो हम आ गए थे ब्रॉडवे में, और फिर हम यहाँ पे बैठे गप्पे शप्पे मारे थे, फिर हमने यहाँ पे किया था पिज़्ज़े का ऑर्डर। तो फाइनली हमारा आ गया था पिज़्ज़ा, और भूख से हमारा बहुत बुरा हाल था। मैंने तो शॉपिंग की थी, मगर मेरी सिस्टर बस ढूंढती रही देखती रही, उसने कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं की। मगर इनका ये बटर चिकन पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। तो सेंटोरस में इस टाइम जो है वो रात के 10-11 बज रहे थे। देखें किस कदर कोई सुकून है यहाँ पर। मेरे ख्याल है सेंटोरस में ना रात को 9 बजे आना चाहिए, आपको शॉपिंग करने में बहुत इजी हो जाता है, वरना हर दुकान हर शॉप पे बेहद रश रहता है। अच्छा, तो फिर लास्ट में मैं आ गई थी बातिक पे। तो मेरी सिस्टर ने एक ड्रेस लेना था, लेकिन शॉपिंग कर करके हम थक गए थे, बहुत बुरा हाल हो गया था। कहीं जगह पे रेट्स बहुत हाई थे, कहीं जगह पे हमें वैरायटी नहीं प्यारी मिली, लेकिन यहाँ पर एक से एक कमाल का ड्रेस होता है। तो ये देखें, ईद की वैरायटी इनकी बहुत अच्छी थी। ये मुझे इनके सॉलिड कलर्स के ना जो डिज़ाइनिंग और प्रिंट्स वगैरह थे, ये बहुत प्यारे रहते थे। ये थे सारे 7000 रुपये के थे, और फिर हमने काफ़ी टाइम लगाया। अच्छा, ये ब्लैक वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, देखें इसका कलर कितना खूबसूरत। और ये भी 7000 रुपीज़ का था, लेकिन ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। पर गर्मियों में मुझे ब्लैक कलर से ना थोड़ी अच्छा नहीं लगता भाई, मेरा दिल तंग होता है ब्लैक कलर पहनने से गर्मियों में। तो ये देखें, ये कितना कोई खुशकदर खूबसूरत है। अच्छा, इनके जो हैं ईद की वैरायटी इनकी आई हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आई हुई थी, क्योंकि अभी गर्मियों के इतने सही से इनके पास जो है वो कलेक्शन नहीं थी, लॉन कलेक्शन बहुत कम थी। अच्छा, तो ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और ये आजकल वैसे भी चल रहा है थोड़ी सी शॉर्ट और खुला ट्राउज़र, तो ये दी बेस्ट था। और ये मरून कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, देखें इसके मतलब बातिक के ना आप कोई भी ड्रेस ले लो ना, एक से एक खूबसूरत होता है और एक से एक बेहतरीन होता है। अच्छा, तो मुझे ईद की वैरायटी ज़्यादा बातिक में अच्छी लगी, लाइमलाइट पे अच्छी लगी, और खाड़ी पे बहुत अच्छी लगी, लेकिन सफ़ायर मुझे नहीं अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू ईद की वैरायटी। सफ़ायर के रेट अब बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा बजट से बाहर हो गए हैं। अच्छा, तो मैं कहती हूँ अपने व्लॉग का यहाँ पर एंड। तो अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ईद की क्या शॉपिंग की थी।